उपसभापति महोदय, कश्मीर के इस अहम सवाल पर जो चर्चा प्रारंभ हुई है, इस सदन के कई सम्मानित सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं और इस चर्चा को इनिशिएट करने का काम नेता प्रतिपक्ष जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब ने किया है और इसके अतिरिक्त जिन माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं उनके नाम का भी मैं यहाँ उल्लेख करना चाहूँगा। श्री नरेश अग्रवाल और श्रीमती विजिला सत्यनाथ, डेरेक ओबराय और श्रीमान शरद जी यादव और श्रीमान सीताराम जी योचरी, श्री सतीश जी मित्र, श्री प्रफुल्ल जी पटेल और मिस्टर शिवा और हमारे आदरणीय करण सिंह जी और श्री नरेंद्र कुमार जी, डी राजा साहब, संजय राउत जी, शमशेर सिंह जी, अभिषेक मनुजी सिंघवी और प्रमोद जी तिवारी, इतने सम्मानित सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किया। लेकिन इस सदन के चर्चा के दौरान पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा उपसभापति महोदय कि जो मुझे विश्वास था पहले इस चर्चा प्रारंभ होने के पहले, जो हमें भरोसा था, मैं कह सकता हूँ कि हमारा विश्वास व भरोसा पहले से भी कहीं अधिक मजबूत हुआ है। वह विश्वास और भरोसा क्या था? विश्वास और भरोसा यह था कि कश्मीर की स्थिति को सहज और सामान्य बनाने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां दलगत भावना से ऊपर उठकर एक साथ खड़ी होने को तैयार हो जाएंगी और जिस आतंकवाद का दंश आज हमारा यह भारत देश झेल रहा है, उस आतंकवाद से की चुनौती को भी स्वीकार करने के लिए सारा देश एकजुट होकर खड़ा होगा, यह भाव आज हमको राज्यसभा में देखने को मिला है। इसलिए मैंने कहा कि हमारा विश्वास और भरोसा जो पहले था, वह विश्वास और भरोसा और अधिक पहले की अपेक्षा कहीं ज्यादा पक्का हुआ है, ज्यादा मजबूत हुआ है। जो कुछ भी हुआ है कश्मीर के अंदर उसकी बेहद पीड़ा मुझे भी है, हमारे प्रधानमंत्री जी को भी उसकी बेहद पीड़ा है और मैं कहना चाहता हूं कि किस हद तक की पीड़ा है इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि जब वह विदेश यात्रा पर थे, उन्होंने, मैंने टेलीफोन नहीं किया था, स्वयं प्रधानमंत्री जी ने अपनी तरफ से टेलीफोन करके मुझसे कश्मीर के हालात के संबंध में जानकारी हासिल की और उन्होंने अपनी चिंता भी व्यक्त की क्या कदम उठाए जाने चाहिए, इस संबंध में भी उन्होंने अपनी तरफ से यह सुझाव दिया था। प्रातःकाल लौटने के बाद भी पहली मीटिंग यदि उन्होंने किसी की कोई की तो कश्मीर के हालात को लेकर जो एक रिव्यू मीटिंग होती है, वह रिव्यू मीटिंग प्रधानमंत्री जी ने करने का काम किया। मैं समझता हूं कि जो कुछ भी कश्मीर में हुआ है, यदि हम उसे दुर्भाग्यपूर्ण न मानते अथवा जो कुछ भी हुआ है उसके कारण हमारे जिगर में पीड़ा यदि न हुई होती तो शायद इतनी जल्दबाजी में यात्रा करके कोई लौटे, जेटलैग से प्रभावित हो, तुरंत पहली यदि कोई मीटिंग करे घंटे दो घंटे के बाद तो वह कश्मीर के मुद्दे पर मीटिंग करे, शायद ऐसा न होता। जो हमारे गुलाम नबी आजाद साहब ने और जितने भी सम्मानित सदस्यों ने कश्मीर के हालात पर जो लोग मारे गए सिविलियंस, उनको लेकर जो उन्होंने पीड़ा व्यक्त की है, मैं उसके साथ अपने को भी संबद्ध करना चाहता हूं, हमारी भी उतनी ही पीड़ा है। और मैं कहना चाहता हूं कि शायद किसी भी देशभक्त को जो कुछ भी कश्मीर में हुआ है उसके कारण निश्चित रूप से सभी को यह पीड़ा हुई होगी। कहा गया कि एक्सेसिव फोर्स का प्रयोग किया गया, अब यह एक समीक्षा का विषय हो सकता है, लेकिन मैं सदन को निश्चित रूप से यह जानकारी देना चाहता हूं क्योंकि मैं वहां मौजूद नहीं था, वहां स्वयं एक राज्य सरकार है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है जम्मू कश्मीर में, वहां से जो कुछ भी हमको रिपोर्ट प्राप्त हुई है मैं उसकी भी जानकारी सदन के समक्ष रखना चाहूंगा उपसभापति महोदय। मैंने स्वयं अपनी तरफ से वहां के मुख्यमंत्री को भी टेलीफोन करके, वहां के जो सिक्योरिटी फोर्सेज के चीफ हैं उनको टेलीफोन करके, सीआरपीएफ के डीजी, बीएसएफ के डीजी को बुलाकर, अपने चैंबर में बुलाकर मैंने कहा कि मैक्सिमम रेस्ट्रेंट एक्सरसाइज की जानी चाहिए, जितना अधिक से अधिक आप फोर्स का प्रयोग करने से बच सकते हैं वह आपको बचने की कोशिश करनी चाहिए।
और फिर दो दिन के बाद, एक दिन के बाद फिर मैंने टेलीफोन करके उनसे जानकारी प्रतिदिन इसके बारे में पूछता था। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा जितना अधिक से अधिक रेस्ट्रेंट एक्सरसाइज की जा सकती हो वह रेस्ट्रेंट एक्सरसाइज वहां पर की जानी चाहिए। एक बार नहीं, चार बार, दस बार, और यही बात हमारी जम्मू कश्मीर की महबूबा मुफ्ती जी ने भी कहा कि मैं भी यही बराबर फोर्स को निर्देश दे रही हूं कि जितना अधिक से अधिक रेस्ट्रेंट वह बरत सकते हैं वह रेस्ट्रेंट बरतें, और यदि मजबूरी में यदि वेपन का प्रयोग करना है तो नॉन लेथल वेपन्स का ही प्रयोग किया जाना चाहिए, गोली का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। यह बराबर यहां से हम लोगों ने जो इंस्ट्रक्शंस देने चाहिए वह इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। उपसभापति महोदय, मैं यह जानकारी देना चाहता हूं कि लगभग 560 ये इंसिडेंट्स हुए और इसमें लगभग वायलेंस के 566 घटनाएं हुई हैं, जिसमें कि 25 प्रॉपर्टीज को आग लगा दी गई और 49 प्रॉपर्टीज डैमेज कर दी गई। और इन घटनाओं में सिक्योरिटी फोर्सेस कितनी घायल हुई हैं, पहले मैं सिविलियंस की बात करना चाहूंगा क्योंकि सिविलियंस 1948 घायल हुए जिन्हें हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट दिया गया है, इनमें से 1744 को डिस्चार्ज कर लिया गया है, अब सिर्फ केवल 204 सिविलियंस इस समय हॉस्पिटल में हैं। मैंने स्वयं वहां के मुख्यमंत्री से बार बार ये पूछा, महबूबा जी से पूछा है कि यदि किसी और डॉक्टर्स की यदि टीम की जरूरत है, किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर की यदि जरूरत है तो मैं दिल्ली से भेजने को तैयार हूं, भले ही हमको बाई एयर यहां से क्यों न भेजना पड़े, हम बाई एयर वो भेजने को तैयार हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, वहां से पहले यह कहा गया था कि कुछ लोगों के आंखों में चोट लगी है, शायद वो पिलेट्स के कारण जो है चोट लगी है, उनके इलाज के लिए डॉक्टर आ जाए तो अच्छा रहेगा। जो ही जानकारी प्राप्त हुई दोपहर को, शाम को 7 बजे हमारी डॉक्टर्स की टीम, मैंने रेटिना जो सर्जन होते हैं उनकी टीम का श्रीनगर में वहां पर लैंड कर गई, वहां पर उतर गई और जो कुछ भी सहयोग दे सकती थी वह टीम वहां पर जाकर उस टीम ने सहयोग दिया। सिविलियंस के जहां तक घायल होने का सवाल है, मैंने बताया कि 1948 जिसमें कि 1744 को डिस्चार्ज कर दिया गया, केवल 204 है। सिक्योरिटी फोर्सेस जो घायल हुई हैं 1671 या जो इंजर्ड हुई सिक्योरिटी फोर्सेस उनका नंबर मैं बता रहा हूं, और एक जवान भी शहीद हुआ है और 33 सिविलियंस की मौत हुई है। चाहे वो सिविलियंस हों अथवा सिक्योरिटी फोर्सेस हों, मौत मौत होती है। और उपाध्यक्ष महोदय, हम लोगों को भी बहुत पीड़ा है हिंदुस्तान में, मैं समझता हूं कि संवेदनशीलता को दरकिनार करके कोई राजनीति नहीं कर सकता है और भारत जैसे बड़े देश को बचा नहीं सकता है। और मैं यह मानता हूं जैसा लोगों ने कहा ना, आपने कहा कि पॉलिटिकल प्रोसेस प्रारंभ किया जाना चाहिए कश्मीर की समस्या के समाधान के लिए, मैं तो कहना हूं पॉलिटिकल प्रोसेस प्रारंभ किया जाए इसमें कोई आपत्ति नहीं है। सबसे बड़ी बात जो कश्मीर की समस्या के समाधान में ध्यान रखने की है वो संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी, वहां के लोगों की जज्बात, वहां के लोगों की भावनाएं, और साथ ही साथ कश्मीरियत जो कश्मीर की आइडेंटिटी है उसका भी हमको ध्यान रखना होगा। शायद इसी हकीकत आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने यह कहा था, जिसे आज के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उसे दोहराया है। कहा था उन्होंने कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत, कश्मीर की समस्या के ये तीन सूत्र हैं समाधान के, यह आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा और आज के हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी उसी को दोहराया है और आज भी हम उसी पर कायम हैं। लेकिन उपसभापति महोदय, कश्मीरियत की जमहूरियत में स्थान यदि हो सकता है तो केवल इंसानियत का स्थान हो सकता है, हैवानियत का कोई स्थान नहीं। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस के मारे जाने के बाद यदि कोई जश्न मनाता है, क्या उपसभापति महोदय इसे इंसानियत कहेंगे? यह हैवानियत है। मैं समझता हूं
कश्मीरियत में और इंसानियत में यकीन रखने वाला कोई व्यक्ति इसे स्वीकार नहीं करेगा। मैं अपने गुलाम नबी आजाद भाई की इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं, मिलिटेंट्स के साथ सख्ती होनी चाहिए और मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि मिलिटेंट्स के साथ सख्ती होगी, हो रही है और होगी, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि जनता के साथ सिंपैथी होनी चाहिए। मैं आपकी पूरी बात से, सिंपैथी शब्द का आपने प्रयोग नहीं किया था, आपका कोई शब्द कोई दूसरा था, लेकिन मैंने उसे बनाया है कि मिलिटेंट के साथ सख्ती और आम जनता के साथ सिंपैथी, हम इसी पर कायम रहेंगे, इससे नहीं हटेंगे। लेकिन हुआ क्या कश्मीर में, मैं उसकी चर्चा करना चाहूंगा। उपसभापति महोदय, एक आतंकवादी बुरहान वानी हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर था, जो कि पाकिस्तान में यूनाइटेड जिहाद काउंसिल का सबसे एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह जो है कमांडर उस हिजबुल मुजाहिदीन का, और यूनाइटेड जिहाद काउंसिल विभिन्न आतंकवादी संगठन, चाहे वो लश्करे तोयबा हो, जैसे मोहब्बत, जैसे मोहम्मद हो, का यह एक यूनाइटेड ग्रुप है। इसे UJC कहते हैं, यूनाइटेड जिहाद काउंसिल, उसका सदस्य है, जो कि पाकिस्तान की हिदायत पर, पाकिस्तान के इंस्ट्रक्शंस पर वह बराबर भारत में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देता है। और यह आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का मुख्यालय पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और रावलपिंडी में स्थित है। इसका सरगना सैयद सलाहुद्दीन है और इसका बेस कैंप पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के मुजफ्फराबाद में स्थित है। मैं पूरे सदन को यह जानकारी देना आवश्यक मैं मानता हूं। बुरहान वानी हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकवाद कुख्यात आतंकवादी था और दक्षिण कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर था, जैसा मैंने पहले माना। इनके ऊपर 15 मुकदमे दर्ज थे, 15 हत्या के प्रयास के, स्थानीय लोगों को चोट पहुंचाने में, सुरक्षा बलों के हथियार गोलाबारी छीनने में, और भी मैंने लगभग मैंने ऐसे 15 FIR इनके ऊपर पहले से दर्ज थे। और जितनी टेक्नोलॉजी सेवी जो वहाँ की नई पीढ़ी है, यंगस्टर्स जो हैं, उनको रेडिकलाइज करने में भी वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा था। सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर नियमित रूप से स्टेटमेंट, वीडियो मैसेजेस और यहाँ तक कि पिक्चर्स अपलोड करके युवाओं को, वहाँ के नौजवानों को हथियार उठाने के लिए वह बराबर इंस्पायर करता था, प्रेरित करता था। अब इंटेलिजेंस इनपुट मिला और वहां के जम्मू कश्मीर की पुलिस ने यह ऑपरेशन किया, और ऑपरेशन करने में जहां पर वह मारा गया था उसके अतिरिक्त भी दो और थे आतंकवादी जो मारे गए, उसमें एक सरताज अहमद शेख और एक परवेज अहमद डार, एक टोटल जो है 3 आतंकवादी मारे गए थे। और उसी के परिणाम स्वरूप मैं यह मानता हूं उपसभापति महोदय, जो कुछ भी हो रहा है वो पूरी तरह से पाक स्पॉन्सर्ड कहने को तो नाम पाकिस्तान है, लेकिन हरकतें उसकी हर नापाक हैं, मैं कहूं हर हरकतें नापाक। आज एक हमारे देश में कोई आतंकवादी मारा जा रहा है और हमारे आंतरिक मामलों में पाकिस्तान हस्तक्षेप करेगा, और इतना ही नहीं, पूरे पाकिस्तान में ब्लैक डे मनाया जाएगा। नाम है पाकिस्तान, यह हालत है उपसभापति महोदय। और मैं कहना चाहूंगा कि वहां की स्थिति को सहज सामान्य बनाने के लिए जो भी अधिकतम प्रयास होगा वह अधिकतम प्रयास हम लोगों की तरफ से होगा। मैं बराबर वहां के मुख्यमंत्री के संपर्क में हूं, सुबह शाम कोशिश हमारी यह होती है, अथवा दोपहर कम से कम एक बार दो बार दिन में हमारी उनसे बात हो जाए और सीखा जाए। और साथ ही हमारे जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनसे भी बराबर वहां के हालात की जानकारी लेता रहता हूं, और जो कुछ भी अधिकतम संभव है वह मैं करने की कोशिश करता हूं। यह बात आई
वहां पर की वहां के लोगों के साथ संवाद करना चाहिए, डायलॉग वहां के लोगों के साथ प्रारंभ होना चाहिए। आजाद साहब ने जो कहा सही कहा है, मैं भी इस बात से सहमत हूँ, और हमारे आदरणीय कर्ण सिंह जी ने भी कहा, हमारे आदरणीय शरद जी ने भी कहा, सारे लोगों ने, सभी सदस्यों ने यह सुझाव दिया है, संवाद होना चाहिए। मैं आपको सच बतलाऊं, साक्षी हैं इसकी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, मैंने परसों ही टेलीफोन मिलाकर उनसे यह कहा, मैंने कहा कि महबूबा जी मैं स्वयं आना चाहता हूँ कश्मीर, और कश्मीर में आऊंगा तो गवर्नर हाउस नहीं रुकना चाहता हूं, बल्कि नेहरू गेस्ट हाउस है कोई, वहां पर मैं रुकना चाहूंगा, और मैं कश्मीर के लोगों से मैं सीधा बातचीत करना चाहता हूं, संवाद करना चाहता हूं। महुआ जी ने मुझे सुझाव दिया, यह बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन थोड़ा स्थिति सामान्य हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं स्वयं दिल्ली आऊंगी और वहां पर आपके साथ बैठकर, कुछ अधिकारियों के साथ बैठकर बातचीत करेंगे, और इसका कैसे यह डायलॉग प्रारंभ किया जाए, कैसे लोगों के साथ बातचीत प्रारंभ की जाए, इस संबंध में हम चर्चा करेंगे। स्वयं यह बात उन्होंने यह कही है, और उपसभापति महोदय मुझे और कुछ अधिक तो नहीं कहना है, लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा यह कि बराबर वहां के नौजवानों को कुछ ऐसी ताकतें हैं जो बराबर बरगलाने की कोशिश करते हैं, और आज भी वह बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो बात यह मैं कह रहा हूं वह पूरी गंभीरता के साथ कह रहा हूं और पूरी संजीदगी के साथ यह बात मैं कह रहा हूं। उपसभापति महोदय, जो लोग आजादी की बातों को लेकर बराबर कश्मीर के नौजवानों को उकसाते तथा कथित जनमत संग्रह की बात करते हैं, जो जनमत संग्रह की बात मैं समझता हूं कि अब पूरी तरह से आउटडेटेड हो चुकी है, इररिलेवेंट हो चुकी है, उसका कोई महत्व नहीं है, ऐसे सब सारे सवाल खड़ा करके लोगों को बराबर बरगलाने की उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है, लेकिन हम लोग भी यह पूरी कोशिश करेंगे, कश्मीर का रहने वाला नौजवान हमारा है, हमारे परिवार का है, यदि उसको किसी ने बरगलाने की अथवा बहकाने की कोशिश की है तो हम उसे सही रास्ते पर लाने की हम पूरी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, और उसे क्या हकीकत इससे हम उसको बराबर अवगत कराने की कोशिश कर रहे हैं। और जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, मैं जरूर कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान की जिस भी प्रकार की हरकतें हैं वह पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना है, और वह पाकिस्तान बात करेगा, इस्लाम का रक्षक बनेगा वह पाकिस्तान, कि जिस भारत का विभाजन मजहब के आधार पर हुआ और पाकिस्तान बना, वहां के हर इलाके में हर तंजीमों के बीच बराबर एकदम रस्साकसी चलती रहती है, खून खराबा होता रहता है, उसको नहीं रोक पा रहा है, और मजहब के नाम पर बने पाकिस्तान को जो पाकिस्तान एक नहीं रख पाया, जो पाकिस्तान टूट कर दो भागों में हो गया, वह पाकिस्तान भारत के मुसलमानों की चिंता करेगा? भारत के मुसलमानों की कोई चिंता नहीं करेगा तो हम लोग करेंगे, हम भारतवासी करेंगे, हिंदू होगा, मुस्लिम होगा, ईसाई होगा, सिख होगा, कोई होगा, हम भारतवासी करेंगे। और मैं यकीन दिलाना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से अपनी सरकार की तरफ से, जितनी भी माइनॉरिटीज हैं हमारे हिंदुस्तान की, उनको यकीन दिलाना चाहता हूं, आप भरोसा कीजिए, बरगलाने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे, और मैं समझता हूं कि देश हम लोगों का एक रहेगा तो भारत के अंदर वह पोटेंशियल है, और सारी दुनिया भी हमें मानने लगी है कि भारत अब ऐसे हालात में पहुंच रहा है कि कुछ ही वर्षों में भारत एक विश्व की ताकत बन सकता है, यह भरोसा और विश्वास सारी दुनिया के अंदर पैदा हो रहा है। और जब कभी किसी आतंकवादी को यदि कोई न्यायालय दोषी सिद्ध कर देता है, हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं जो उसकी मौत को जुडिशियल किलिंग कहते हैं, लेकिन फिर भी हम उनको कोई बहुत सजा नहीं देना चाहते, हम ये कोशिश करेंगे कि जो एक माइंडसेट है हमारे देश में बना हुआ है, जो एक प्रवृत्ति है किसी भी प्रकार की हिंसा, चाहे दंतेवाड़ा में हो जाए, चाहे वो बस्तर में हो जाए, चाहे हमारे उड़ीसा के किसी माओवाद से प्रभावित क्षेत्र में हो जाए, सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान मारे जाएं उसके बाद जश्न मनाएं, चाहे वह कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों के मारे जाने पर जो जश्न मनाते हैं, यह जो एक विकृत मानसिकता है, इस विकृत मानसिकता से भी लोगों को बाहर निकालने के लिए मैं समझता हूं कि हम लोगों को प्रयत्न करने की जरूरत है, और वो हम करेंगे।
और मैं यकीन दिलाना चाहता हूं पूरे सदन को अपनी तरफ से, हम जो करना चाहेंगे पूरे सदन को डायरेक्ट जी विश्वास में लेकर करना चाहेंगे, सबको साथ लेकर चलना चाहेंगे। देश हमारा ही नहीं है, आप सबका है, जो बैठे हैं सबका, जो देश में रहते हैं सबका देश, हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। हम देश को बांटने की अथवा किसी को अलग रखकर आगे बढ़ने की हम कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि मैं बार बार इस बात को दोहरा चुका हूं कि हम राजनीति यदि हम लोग करते हैं तो केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करते हैं, हम राजनीति करते हैं तो देश बनाने के लिए उपसभापति महोदय हम लोग। ओके, थैंक यू ऑनरेबल मिनिस्टर, थैंक यू। माध्यम से भी होम मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूं। एक मिनट बैठिए, मैं इल्ड कर जाऊंगा, इल्ड का एक मिनट बैठिए। एक जानकारी और मैं देना चाहता हूं उपसभापति महोदय, कुछ प्रश्न किए थे आपने हमारे आजाद साहब ने, वो छूट गया था। उन्होंने कहा था पेलेट गन्स का इस्तेमाल बंद। अभी इस मामले को मैं दिखाऊंगा क्या है कैसे, क्योंकि एकाएक मैं इस संबंध में कुछ नहीं कह सकता हूं, कोई आश्वासन नहीं दे सकता हूं कि पेलेट गन्स के क्या प्रभाव होते हैं। इस पर एक रिपोर्ट आई है, एक स्टडी हुई थी, एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ये स्टडी ऑप्टेन बाय द हुरियत यम सीनियर लीडर अब्दुल मन्नान बुखारी, इनके द्वारा की गई है। 2010 में यह पेलेट गन्स कश्मीर में चली थी और इस पेलेट गन्स के माध्यम से 6 लोग मरे थे, 6 लोगों की किलिंग हुई थी, मृत्यु हुई थी, और इंजर्ड हुए थे 198 और ब्लाइंड हुए थे 5। और ये 2010 की घटना। इस बार भी पेलेट्स के कारण कितनी डेथ हुई है एकाए, अभी मैं तुरंत उसकी जानकारी मैं नहीं दे सकता हूं, लेकिन हम देखेंगे। इस पर हमें नहीं चाहेंगे कि हम कोई, जितना हम वाटर कैनन का प्रयोग कर सकते हैं, टीयर गैस का प्रयोग कर सकते हैं क्राउड के ऊपर, तो वह करना चाहिए, माने यदि वायलेंट यदि कोई माप रहता है उसे रोकने के लिए। एक डेमोक्रेटिक कंट्रीज में यह सब चीजें होनी चाहिए, तुरंत वेब बुलेट्स का प्रयोग करना यह उचित नहीं है। और इंटरनेट पर जो बैन लगा हुआ है और कुछ प्रेस पर, कुछ पेपर्स वगैरह पर, वो मैं सहमत हूँ कि उसे जल्दी खुलना चाहिए, लेकिन अब वहाँ के मुख्यमंत्री जी से ही बात करेंगे, क्योंकि सीधे आप सहमत होंगे कि मैं नहीं कह सकता इसके बारे में क्या है। और इसेंशियल कम्युनिटीज कर्फ्यू लगे होने के कारण लोगों तक पहुँचना चाहिए, इसके संबंध में हमारी बात हुई थी। अब यह मुझे देखना होगा कि इसेंशियल कम्युनिटीज लोगों को मुहैया कराने के लिए सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, और लेकिन मैं कहूँगा वहाँ के मुख्यमंत्री से कहूँगा कि और भी जितने सहयोग की आवश्यकता होगी, यहाँ से जो लोग कर्फ्यू के कारण घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं उनको इसेंशियल कम्युनिटीज उपलब्ध कराने के लिए हम पूरी मदद करेंगे। आज मैं यहाँ से निकलते ही तुरंत मैं इस संबंध में भी बातचीत करूँगा। अब मेडिसिन वगैरह सब है, उसका नाम नहीं लिया, सब बेबी फूड्स वगैरह की भी बात आपने कही थी, लेबरर्स जिनको कि इस समय काम नहीं मिल पा रहा है उनके लिए भी मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा कि क्या हो रहा है। आंखों का ट्रीटमेंट बाहर, ये ऑलरेडी मैं कह चुका हूं और मुख्यमंत्री जी को मैंने कहा है, केवल आंखों के ट्रीटमेंट के संबंध में ही नहीं, बल्कि यदि कोई सीरियसली इंजर्ड यदि कोई ऐसा व्यक्ति है, ऐसे 10, 5, 15, 20, 25, 50 होंगे, 100 होंगे, तो मैंने कहा तुरंत यहां से मैं प्लेन भेजने को तैयार हूं, सबको प्लेन पर बैठाइए, मैं डॉक्टर भेजूंगा लेकर आए, उनका ट्रीटमेंट कराऊं। मैंने स्वयं वहां के मुख्यमंत्री जी से कहा, यह सब सारी पहल मैंने अपनी तरफ से की है। और आपने देखा सहयोग तो हम सबका चाहते हैं, इसीलिए कश्मीर की यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित होने के बाद मैंने कोशिश यह की अपनी तरफ से, जितनी भी राजनीतिक पार्टियों के हमारे सम्मानित नेतागण हैं, सभी सम्मानित नेताओं से मैं बात कर लूं, और ताकि उनके द्वारा कम से कम उनके जो लंबे अनुभव हैं उस आधार पर उनसे कुछ जानकारी हासिल कर सकूं कि कश्मीर की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए और नॉर्मलाइज करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए। और कई लोगों ने कुछ सुझाव भी दिए हैं और बहुत ही अच्छे स्टेटमेंट्स आए हैं, हमारे आजाद साहब बैठे हैं, इनके भी बहुत अच्छे स्टेटमेंट्स आए हैं, और कई राजनीतिक पार्टियों ने भी, सबने बहुत ही अच्छे स्टेटमेंट्स दिए हैं, उसका मैं स्वागत करता हूँ। नहीं करेंगे आल पार्टी मीटिंग तो अभी कल ही बैठे थे हम लोग, लेकिन कश्मीर के सवाल पर भी इसको कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। तो उपसभापति महोदय इस अवसर पर ज्यादा कुछ न कहते हुए पुनः थैंक यू ऑनरेबल मिनिस्टर के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त। थैंक यू। नाउ वी विल टेक अप रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी बिल 2016।